अधूरी नल जल योजना का खामियाजा भुगत रहे हैं तिरोड़ीवासी। तिरोड़ी की जनता को बीते 10 दिनों से पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल तिरोड़ी की पेयजल योजना बावनथड़ी नदी पर निर्मित है। इसके बीच में बोरवेल बना हुआ है जहां से पानी निकाला जाता है, मगर इन दिनों अत्यधिक बारिश होने की वजह से नदी में पानी का बहाव अधिक है, जिसके चलते आए दिन बोरवेल से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। ज्ञात हो कि बावनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर अपनी क्षमता के अनुरूप भरा हुआ है। तेज बारिश होते ही पानी नदी में छोड़ना पड़ता है, जिस कारण नदी में पानी का बहाव तेज होने से बोरवेल की सप्लाई का केबल टूट जाता है और तिरोड़ी की पेयजल सप्लाई प्रभावित होती है। केबल टूटने की वजह से बीते 10 दिनों से तिरोड़ी वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते रविवार को सरपंच फौजिया जुनेद खान ने बांध अधिकारियों से चर्चा कर गेट बंद करवाने के बाद केबल दुरुस्त करवाया। तिरोड़ी वासियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत कर्मियों द्वारा मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार 5,29,00,000 से बनी परियोजना का कार्य करवाने का जिम्मा पीएचई विभाग को सौंपा गया था। पीएचई विभाग ने बड़ी मुश्किल से काम करने की बात कहते हुए कई वार्डों में कार्य को कागजों में ही पूरा बता दिया। तिरोड़ी की मुख्यमंत्री पेयजल आवर्धन योजना शुरू से ही विवादों में रही है। इस योजना को 4 साल पहले ही पूरे किया जाना था, किंतु 7 साल बीत जाने के बाद भी योजना पूर्ण है। अभी टेस्टिंग चल रही है और इसी के दौरान लोगों को पानी मिल रहा है।